दर्जनों कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर। वन विभाग की जमीन पर बसी है कॉलोनियां, कहां जाएंगे कॉलोनियों के लोग? नोटिस में ये कहा जी 7 दिन के अंदर अंदर इसे खाली कर दो आप। अब बताओ हम अपने बच्चों को लेकर कहां से जाएं जी? 25 साल से रह रहे हैं, जब इसमें भगा नहीं था तो फिर इसमें खंबे क्यों लगाए? हमें इतनी फैसिलिटी क्यों दी? पानी बिजली सब कुछ है जी यहाँ पे। सुना आपने, जब उम्मीदें टूटती हैं, सपने टूटते हैं, तो आवाज नहीं होती, सिर्फ आंसू होते हैं। और ये हाल सिर्फ इसी शख्स का नहीं है, सोहना में रहने वाले दर्जनों गांवों के हजारों लोगों का है, जिनका दर्द आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आपके शरीर में भी सिहरन उठ जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि आप इनके दर्द को महसूस भी कर सके, लेकिन इन पर क्या बीत रही है वो इनके अलावा कोई भी नहीं जान सकता, क्योंकि सर से छत छिनने का दर्द क्या होता है, इस दर्द को वो ही जान सकता है जिसके हाथ में अचानक नोटिस आ जाए और कह दिया जाए कि जो सालों से आपका था वो अब सिर्फ 7 दिन और आपका रहने वाला है। आपको फरीदाबाद का खोरी गांव तो याद होगा, वही खोरी गांव जिसके लोगों को ये कहकर मकान खाली करने के निर्देश दे दिए थे कि आप जहां रह रहे हैं वो अरावली की जमीन है, इस पर आपका कोई हक नहीं, आपको यहां से जाना होगा, हर हाल में जाना होगा। बिल्कुल इसी तरह का मामला सोहना से भी सामने आया, जहां करीब आधा दर्जन कॉलोनियों पर वन विभाग का बुलडोजर चल सकता है। वन विभाग ने कस्बे की पहाड़ कॉलोनी, पीर कॉलोनी, आईटीआई कॉलोनी, बनियावाड़ा, ठाकुरवाड़ा और गुजर घाटी में सर्वे कर गांव के लोगों को नोटिस भेजे हैं। इन नोटिस में कहा गया कि जिस जमीन पर लोगों ने मकान बनाए हैं वो जमीन वन विभाग की है। नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया और मचे भी क्यों ना, अब इनका आशियाना इनसे छिनने जो वाला है। लोगों का कहना है कि वे लोग 25 साल से ज्यादा समय से यहां रह रहे हैं, यहां पानी बिजली सभी की व्यवस्था की गई, कॉलोनी पूरी तरह से बसी हुई है। लोगों की मांग है कि अगर उनसे यहां खाली करवाया जाता है तो सरकार उन्हें दूसरी जगह रहने के लिए जगह मुहैया कराए, इसकी जगह नगर पालिका और कहीं जगह दे देने के लिए हमें बसाया जाए यहां पे, जो जगह हमारी हमारे पास रहे, इसकी नाप तोल करे दोबारा से और इनकी जगह और कहीं दे दे। यहां पे सारे गरीबी लोग हैं जिनके पास जगह नहीं है, अगर जगह होती तो इधर बसते ही क्यों? अगर सरकार उजाड़ भी रही है किसी कारण, हम चले भी जाएंगे, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारे लिए रहने के लिए ठिकाना तो दिया जाए कम से कम, जैसे 100-100 गज की, 50 गज की, जो भी हर गरीब के लिए जगह मिलेगी तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हम जाए कहाँ? ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इन गांवों की जानकारी नहीं थी, इन गांवों में पक्की सड़कें भी हैं, बिजली के खंभे भी हैं, ट्रांसफार्मर भी है और बिजली पानी के बिल तक भी इनके घरों में आते हैं। और तो और ये लोग नगर परिषद को 20 साल से हाउस टैक्स भी भर रहे हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि प्रशासन को ये नहीं पता था कि इस जमीन पर लोग रह रहे हैं? जब से इन लोगों को मकान खाली करने की सूचना मिली, इनके गले से निवाला तक नहीं निकला जा रहा, बच्चों से लेकर युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब परेशान हैं, क्योंकि जिन कच्चे मकानों को उन्होंने पक्का तक करवाया, अब उन्हें कहा जा रहा है कि मकान आपके हो सकते हैं लेकिन ये जमीन आपकी नहीं है। कहिए कि 7 दिन में घर खाली कर दो, कॉलोनी खाली कर दो, जब हाउस टैक्स 20 साल से भर रहे हैं, यहाँ हाउस टैक्स भर रहे हैं, बिजली को बिल भर रहे हैं, पानी के भर रहे हैं, तो जब ये पहले ही सुविधा क्यों करी उन्होंने? पहले ही कह देते कि भाई यहाँ मत बस। बुढ़ा हो गया जी मैं, करते करते पहले माटी से चिना हमने, फिर गारा लगाया, पहले चादर डाली, आज बच्चों ने कमा कमा के पटाव डाला, हमारा सब कुछ कुछ नहीं रहा जी, सब बह गया हमारा। हमारी सरकार से यही कहना है, अगर हमें यहाँ से बर्बाद किया जा रहा है तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा ठिकाना दिया जाए कि हम इन बच्चों को लेकर गिर जाएं। आज हमारे 2-2 दिन हो गए जब से स्वर सुनिए, घरों में चूल्हे नहीं चल रहे हैं, औरतें बेहोश हो रही हैं, हमारे पास कुछ नहीं रहा जी, आशियाना खत्म है हमारा। जब प्रशासन को मालूम था कि जिस जमीन पर ये लोग मकान बना रहे हैं वो जमीन वन विभाग की है, तो फिर क्यों अधिकारियों ने पहले ही इन लोगों को बसने दिया? क्यों प्रशासन ने इनकी झुग्गियों की मकान बनने तक का इंतजार किया? 80 गज का मकान है, मैंने 3 लाख रुपए का लिया था, 7 लाख रुपए इसमें लगाए। नोटिस तो पीछे से आए हैं और ये अच्छी बात थोड़ी ना, ये घर मकान कैसे खाली कर दें 7 दिन में? कहाँ पे जाएंगे हम? तो रोड पे ही झुग्गी डाल के पड़ेंगे, इतनी पब्लिक कहाँ पे जाएगी जी? पहले ही बोलना था सरकार को, जब मकान नहीं बने थे तो हम जगह खाली कर देते, जब तक हमने अपनी पूरी लागत तो नहीं लगाई थी, अब जितना कमाया सारा हमने इसमें लगाया जी। अब हम अपने बच्चे ने, छोटे भी हैं, जवान भी हैं, उनकी शादी करें या पेट भरें या उन बच्चों को देखें, कहाँ जाएं हम?
सरकार को पहले ही बोलना था ना ये बात, जब झुग्गी पड़ी थी यहाँ पे पहले किसी ने घर नहीं बनाया, जब भी बोल देते कि भाई यहाँ पे मकान मत बनाना, ये सरकारी जगह है। मान लिया कि ये जमीन वन विभाग की है, मान लिया कि इन लोगों ने अवैध तरीके से मकान बनाए थे, लेकिन ये कैसे मान लिया जाए कि प्रशासन को इसकी सुध नहीं थी? और जब प्रशासन को पहले ही इस बात की जानकारी थी तो क्यों प्रशासनिक अधिकारियों ने इन गांवों को बसने से पहले नहीं रोका? क्यों यहां लोगों को लगातार सुविधाएं दी जा रही थी? क्यों हाउस टैक्स वसूला जा रहा था? और कैसे इन गांवों में पक्की सड़कें और बिजली पानी पहुंचा? वन विभाग की जमीन कहकर इन लोगों से जगह खाली तो करवा ली जाएगी, लेकिन इसके बदले उन्हें कहां बसाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि इन गांवों के बसने पर क्या किसी अधिकारी पर भी गाज गिरेगी, या फिर एक बार फिर गरीब ही इस मामले में पीसा जाएगा? हरियाणा न्यूज के लिए सोहना से सतीश राघव की रिपोर्ट।